चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है विटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। तो इसके अंदर हम बात करेंगे हू लिव्ड इन विलेज, तो कि जो कौन से जो लोग थे जो विलेज के अंदर रहते थे। तो हमें पता है विलेज के अंदर कौन रहेगा, कि जो लोग है वो ही विलेज के अंदर रहेंगे। There were at least different kind of people living in the most villages in the southern and northern part of the subcontinent. की जो लिस्ट दी गई है वो क्या है, वो different kinds में बनाई गई है। जैसे जो villages हैं, तो villages कौन कौन से area के अंदर है, तो जैसे southern area हो गया और northern parts तो of the subcontinent इंडिया के जो ये दो पार्ट जो हैं, तो ये क्या है, ये एक villages और उनकी क्या है, तो जैसे मान लो तो ये हमारे इंडिया का थोड़ा, ये हमारे मान लो इंडिया का ये साउथ वाला पार्ट है और यहाँ पे नॉर्थ वाला पार्ट है। तो नॉर्थ वाला जो पार्ट है तो इसमें क्या है, इसमें हिस्ट्री अलग बन रही है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग बन रही है। तो चेंज कैसे है, क्योंकि यहाँ पे तो लेटर वैदिक पीरियड चल रहा था, कौन सा लेटर वैदिक, यहाँ पे तो लेटर वैदिक पीरियड चल रहा था और यहाँ पे तो जो चीज़ें थी वो राइट की गई थी और यहाँ पे हमें स्टोन से ही चीज़ें पता चल रही थी। तो ये चीज़ें हमें पता चल रही थी। इन द तमिल रीजन, जैसे जो तमिल रीजन है, तो तमिल रीजन में जो साउथ वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर ही बोलेंगे, क्योंकि ये साउथर्न और इंडिया, ये इंडिया का साउथर्न पार्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, साउथर्न इंडिया। लार्ज लैंड ओनर्स वेयर नोन एज विलेलार, कि जो लैंड ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिसके पास बहुत सारी जमीन होती है तो उसे हम विलेलार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलेलार। ओरिजिनरी प्लगमैन वेयर नोन एज उजहावर, कि जो प्लगमैन की जो खेतों के अंदर जो काम करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम उजावर बोलते हैं। उजावर क्या करते हैं, ये अपने खेतों में अपना इनका खुद का खेत होता है छोटा सा, जिसके अंदर ये खुद ही काम करते हैं। लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वे आर नॉन एज खेदियसर्स एंड एडीमाई, तो जो कि जो लैंडलेस लेबर होते हैं, कि जो जमीन दूसरे की जो जमीन होती है जिसके अंदर वो काम करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जैसे कि स्लेव्स वे आर नॉन एज, कि जो स्लेव्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम कादिसियर एंड एडीमाई, तो इसे हम इन नाम से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया हू लिव्ड इन द विलेज के बारे में। अब हम बात करेंगे इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, कि जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसका जो नॉर्थ वाला जो पार्ट था इसके अंदर क्या था, इसके अंदर अलग सिस्टम था, और जो साउथ वाला पार्ट है इंडिया के उसके अंदर अलग सिस्टम था। तो द विलेज हेडमैन वाज नोन एज ग्राम बोजका, कि जो विलेज के जो हेडमैन होते हैं, ये जो विलेज के जो हेड पर्सन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं नॉर्थ पार्ट के अंदर, ग्राम बोजका, तो उन्हें हम जो लोग थे वो ग्राम बोजका बोलते हैं। द पोस्ट वाज हेरिडेटरी, तो इनकी जो पोस्ट होती थी वो कौन सी होती थी, वो हेरिडेटरी होती थी। हेरिडेटरी मीन्स, तो पहले क्या होता था हेरिडेटरी, तो जैसे मान लो कोई पीपल है, तो ये एक पीपल है, ये क्या है, ये ग्राम बोजका का ये एक मेंबर हो गया, फिर इसका जो बेटा होगा ये इसका बेटा हो गया, और फिर इसका जो बेटा होगा, तो ये क्या होंगे, ये ऐसे ग्राम बोजका फिर बनते रहेंगे। पहले ये ग्राम बोजका था, फिर इसका जो बेटा था वो ग्राम बोजका बन गया, फिर इसका जो बेटा था वो ग्राम बोजका बन गया। तो ऐसे जो जनरेशन है वो चलती जाती है हेरिडेटरी के अंदर। द ग्राम बोजका वाज द लार्जेस्ट लैंड ओवर, कि जो ग्राम बोजका था ये क्या था, ये एक लार्जेस्ट लैंड ओवर था, ये जो लैंड है उसे ये संभालता था। जैसे मान लो किसी के बीच में लड़ाई हो गई और किसी की लैंड थोड़ी बड़ी है, तो वो दूसरे के बीच में लड़ाई कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो ये क्या करेगा ग्राम बोजका, तो ये उनके अंदर उनको बोलेगा कि सही से काम करो वरना इस एरिया से
निकल जाओ। तो ऐसे जो ग्राम बोचका वो धमकी दे देगा और ये जो ग्राम बोचका ये एक जो राजा है उसका एक मेंबर सा हो जाता था। He had slaves and hired workers to collect the land. कि जो स्लेव होते हैं ये राजा था वो क्या काम कराता था स्लेव से और जो स्लेव और जो हिरिड होती थे तो इनसे राजा था वो कल्टीवेट कराता था लैंड को और क्या करते थे और जो ग्राम बोचका थे ये राजा के ज़्यादा काम में आता था और क्या काम करता था जैसे कि राजा है तो राजा को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये राजा को ला के दे देगा एक सिपाही की तरह। तो ये ग्राम बोचका जो था तो ये राजा का एक मेंबर होता था और मानो जो टैक्स है तो टैक्स को कलेक्ट करना है तो टैक्स जो है तो उसे कलेक्ट कौन करता था ग्राम बोचका। और ये जो ग्राम बोचका वाली जो प्रोसेस है ये चलती जाती है कि इसका बेटा जो है वो ग्राम बोचका बनेगा इसका बेटा जो है वो ग्राम बोचका बनेगा। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो लिव्ड इन द विलेज ये कंप्लीट होता है। बाकी के जो हमारे टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।